हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ फिश फ्राई रेसिपी। तो हमारे इस रेसिपी को देखने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, और हमारा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये रेसिपी कैसा लगे। तो आप इसी तरह हमें मोटिवेट करते रहिए, और मैं आपके नए नए रेसिपी लाती रहूँगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको फ़िश फ्राई के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, ये रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, एक कसूरी चिली है, और ये ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, ये रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ये 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, ये 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, ये मैंने सॉल्ट लिया है स्वाद अनुसार, और हमने ये फिश लिया है, और ये हमने ऑयल लिया है मस्टर्ड ऑयल। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है जो क्रिस्पी बनाने के लिए, ये है चावल का आटा। 1 टेबल स्पून मैंने चावल का आटा लिया है। आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मैंने जितने मसाले दिखाए थे, और साथ में स्वाद अनुसार नमक, इस सब को हम डाल देते हैं। और ये मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ मैं, आपको जो ऑयल पसंद है आप वो डाल सकते हो। और ये मैं चावल का आटा डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब इसमें हम हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने फिश को अच्छे से मैरिनेट करके अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैं ऐसे ही ढक के इसको मैं रखूँगी साइड में। तो मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स, 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसे मैरिनेट के लिए रखा था। आप देख सकते हैं इसमें सारे मसाले कितने अच्छे से कोट हुए हैं। तो अब हम फ्राई करेंगे। गैस को मैंने ऑन कर लिया है, इसको ऑयल को गर्म होने तक वेट करते हैं। तो फ्रेंड, आप सब देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल हमें हमेशा गर्म एकदम होना चाहिए, इससे हमारा चिपकता नहीं है। ऐसे हम जितना एडजस्ट होता है थोड़ा थोड़ा करके सबको फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम पलट लेते हैं, या 3 से 4 मिनट एक साइड और 3 से 4 मिनट एक साइड, यानी 6 से 7 मिनट में हमारा फिश फ्राई हो जाएगा। हमने पलट लिया है, अब इस साइड भी हम इसको पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो गया है, तो चलिए हम इस फिश को निकाल लेते हैं। और सारे फिश को हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। चलिए हम इसको ही पलट लेते हैं। 3 से 4 मिनट इसे इस साइड भी हम फ्राई होने देते हैं। इसी तरीके से हमें सारी फिश को फ्राई कर लेना है। देखने में इतना क्रिस्पी और इतना टेस्टी लग रहा है। तो फ्रेंड, इसी तरीके से हमें सारी फिश फ्राई करना है। तो हमारा फिश फ्राई हो गया है, हम चलते हैं अब सर। तो फ्रेंड्स, मेरा फिश फ्राई रेडी हो चुका है, और ये दिखने में जितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी लगता है, और साथ ही ये हेल्दी बहुत होता है। आप सब तो जानते हैं फिश कितना हेल्दी होता है,
तो हमारा ये रेसिपी आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके फ्रेंड्स, फिर बाय बाय।